घूस लेते प्रभारी राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सदर तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोरखपुर से आई एंटी करप्शन की टीम ने तहसील के बाहर घूस लेते हलधरपुर थाना क्षेत्र के दतौड़ा ग्राम में तैनात प्रभारी राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एंटी करप्शन की टीम ने कार्रवाई से तहसील के बाहर हड़कंप मच गया और पहले तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन जब गोरखपुर से आई टीम ने जब अपना परिचय एंटी करप्शन टीम बताया तब जाके लोग घटना समझ पाए। गिरफ्तार किए गए रामकृत पासवान को एंटी करप्शन की टीम कोतवाली ले जाकर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई करने लगा। एंटी करप्शन की टीम के प्रभारी निरीक्षक देव प्रकाश रावत ने बताया कि दतौड़ा ग्राम के ही रहने वाले त्रिभुवन चौहान अपनी जमीन की पक्की पैमाइश करने के लिए 2017 से बार बार प्रभारी राजस्व निरीक्षक रामकृत पासवान से कह रहे थे, लेकिन रामकृत पासवान रिपोर्ट के एवज में 12,000 घूस की मांग कर रहा था। त्रिभुवन चौहान ने 9,000 बतौर घूस दे भी दिया, लेकिन प्रभारी कानून को रामकृत पासवान बकाया 3,000 रुपए मिलने के बाद ही पैमाइश की बात कह रहा था। कानूनगो के इस रवैये से तंग आकर त्रिभुवन चौहान ने गोरखपुर एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर आज कानूनगो को पैसे देते हुए रंगे हाथ पकड़वा दिया। एंटी करप्शन की टीम ने कानूनगो को गिरफ्तार कर कोतवाली लाकर आगे की कार्रवाई में लग गए हैं। जनपद मऊ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र त्रिपाठी की ब्यूरो रिपोर्ट। ये त्रिभुवन चौहान, इन्होंने शिकायत किया था कि रामकृत पासवान ने लेखपाल राजस्व निरीक्षक प्रभारी राजस्व निरीक्षक का काम देते हैं, लेखपाल हैं, इनके द्वारा जो है इनकी भूमि की पक्की पैमाई से 12,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसमें से इन्होंने 9,000 रुपया दे दिया था और कह रहे थे 3,000 रुपया जो और देंगे तभी हम पैमाइश करके भूमि देंगे, जिसकी पैमाइश के एवज में 3,000 रुपया मांग रहे थे। आज रिश्वत देते हुए तहसील सदर जो है क्या कार्रवाई होगी इस पे? इनके खिलाफ जो है ये रामकृत पासवान कोतवाली मऊ में हो गया, जान पड़ गिरेगा जी, कोतवाली मऊ में पड़ जाएगा, भ्रष्टाचार। ठीक है सर, थैंक यू। 24 था ड्यूटी साहब का आदेश हो गया, पत्थर गड्डी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आवेदक का करीब 3 महीने बाद आवेदन लगता था कि 5 कड़ी हमारा कम है, मैंने कहा 5 कड़ी कम है आपका मांग के ऊपर, आएंगे तो सुधार देंगे 5 कड़ी। मैं आवेदक से पैसा भी नहीं मांगा, ये आदमी हमको एक नवा भी नहीं दिया आज तक, मैं मांगा भी नहीं पैसा, 3,000 रुपया मेरे डायरी में करके मुझे जबरदस्ती। कौन है आवेदक? वो चौहान है आपको एंटी करप्शन, तो आखिर क्यों लगते हैं पैसे लेने का? पैसे लेने का सर, जैसे मैंने डायरी रख दिया, चाय पानी पी रहा हूँ, पैसा डाल दिया, निकल गया पैसा। पैसा कौन रख दिया आपके डायरी में? त्रिभुवन। तो क्यों रख दिया आपके बीच में? बीच में कोई करार हुई थी? नहीं, कुछ करार नहीं हुई थी, कोई करार नहीं थी। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन चौहान। क्या मामला था, क्या आपने शिकायत की? हमारा पक्की पैमाइश करने का आदेश 2017 का है और तब से इनसे मैं कहता रहा, इनके पीछे पीछे घूमता रहा, घुमाते रहे। मैंने अगले साल जून में डीएम के यहाँ दरखास्त दिया, उसका फिर गलत रिपोर्ट लगा करके भेज दिए कि हम निस्तारण कर चुके हैं, फिर बाद में कहे कि 12,000 रुपया हमको दो तब तुम्हारा हम नापेंगे। 9,000 रुपया पहले ले लिए, फिर 3,000 रुपये के लिए फिर दौड़ा रहे थे, दौड़ाते दौड़ाते एक दिन मौके पर गए और कहे कि पुलिस नहीं है हमारे पास, तो आप लोग फिर एक नोटिस आप लोगों को बना देता हूँ, फर्जी सिग्नेचर भी करा लिए और कराने के बाद तब से टाल मटोल कर रहे हैं। आज वही मांगे थे 3,000 रुपया, तो मैंने संकल्प लिया कि मैं 3,000 रुपया इनको दूंगा नहीं, इनको एंटी करप्शन में पकड़वाऊंगा। तो मैंने गोरखपुर जा करके और एंटी करप्शन ऑफिस में अपना संपर्क किया, वहाँ अपना फरियाद रखा, तो उन्होंने हमको सजेशन दिया कैसे से काम करना है। तो मैंने इनके सुबह इनके घर गया और उनसे कहा कि हमारा सर कमाओ कर दीजिए, तो कह रहे थे कि कर देंगे 2-4 दिन के बाद कर देंगे, तो हम कहे सर बाकी पैसा आप भाजी दे देंगे, तो कहे कि ठीक है दे दो, हम कहे कि अभी पैसा नहीं है हमारे पास, एटीएम नहीं है, अरे एटीएम से उतार करके आपको दे देंगे। तो एटीएम से उतारने के लिए हिला बहाना करके यहाँ आए, फिर ऑफिस में गए, बैठे हुए थे तहसील दिवस में, तहसील दिवस लगा हुआ था, तो पैसा कहे कि जा करके दे दो वहाँ, इनका जो ऑफिस में रहता है सहायक है, तो हमने साहब से बताया, तो साहब कहे कि नहीं पैसा उसको मत देना, पैसा तुम उसी के हाथ में देना तभी पकड़ेगा।
तब तक हम लोग इंतजार करते रहे 2 बजे तक, 2 बजे जब छुट्टी हुआ कार्यक्रम खत्म हुआ तो नीचे आए चाय की पकौड़ी की दुकान पर आए और वहीं पैसा लिए। किसको पैसा दिया? क्या नाम है इनको? क्या नाम था? रामप्रीत पासवान हमारे के प्रभारी राजस्व। कौन सा गांव आपका? दत्तौड़ा रतनपुरा के बगल में।